फाइनली हम एंटर कर रहे हैं। मुझे उम्मीद नहीं थी। पाकिस्तान और इंडिया दोनों ही जिंदाबाद। फाइनली क्वाड बाइक की राइड लेने के बाद हम निकल चुके हैं ड्यून बैशिंग की तरफ। एंड ड्यून बैशिंग का सफर हमारा है जो यहाँ से 35 मिनट का और है। So, हो जाइए तैयार मेरे साथ ड्यून को बैश करने के लिए। मैं खराब हो गया। तो कैसे एंटर कर रहे हैं? फाइनली हम एंटर कर रहे हैं। चिल्लाओ तो सही। क्या हुर्रे अभी भैया यहाँ पे उतर के चारों टायर में थोड़ी सी हवा कम कर देंगे, क्योंकि अगर बैश करेंगे पूरी हवा के साथ तो टायर फटने का डर रहेगा एंड हम उतना मजा नहीं कर पाएंगे, इसलिए हवा कर दी जाती है कम। ये लीजिए ड्यून बैशिंग हो गई है स्टार्ट, तो आप लीजिए मजा। इसका जो प्राइस था वो मेरे को 3200 के आसपास का पड़ा था। मैंने आपको बता दिया था क्वाड बाइक ड्यून बैशिंग एंड नाइट सफारी का सब इंक्लूडेड था 3200 में। क्लूक से मेरे को काफी रीजनेबल रेट पे पड़ गया एंड मैं क्लूक का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, उसको आप यूज करके 250 रुपीज पा सकते हो। ड्यून बैशिंग करने में मुझको आ रहा था बहुत मजा, बट बीच में मेरे को ऐसा लगने लगा कि यार वॉमिट हो जाएगी। तो थोड़ा सा मैं लो चला गया था, बट फिर से मैं एक्टिव हो गया, थोड़ा सा मैंने अपने दिमाग को समझाया और हो गया फिर से चालू। और देख रहे हो मेरे पीछे जो मनित बैठा हुआ है वो कितने मजे ले रहा है। हुर्रे! मजा आया सबका। अरे वाह! फोटो के लिए आ जाओ, बाहर आ जाओ फोटो के लिए। तो अभी हम खिंचवा ले रहे हैं थोड़े से फोटोज जल्दी से भाई, लेकिन सुपर मजा आया।
और सर ने भाई करवा दिए मजे। सर इवन मास्क तो हटा दो कम से कम, भाई सर ने सुपर मजे करवा दिए। और मतलब मुझे पता नहीं था कि इतना सुपर फन आने वाला है। मेरा नाम नाम नहीं जानते? अरे नाम तो बताइए। पूछे मेरा नाम क्या है? क्यों? अरे आप वो बताएगा भाई। लेकिन मजा आ गया, कुछ भी कहो। एक बार भाई पाकिस्तान से बॉडी के अगेंस्ट सर है। पतला पतलू नहीं, इनका नाम है मुन्ना, वो छोटा मुन्ना। और आपको क्या नाम है भाई? उस्मान। उस्मान भाई आप भी पाकिस्तान से? जी सर। क्या बात है भाई, पाकिस्तान और इंडिया दोनों ही जिंदाबाद। ये सुबह इधर आ रहा है सुपर फन और एकदम डेजर्ट में। हाँ आ गया, आ गया, आ गया। अरे आ गया पांडे को इधर से आ गया। ये रहा, अरे ये मेरे वो है कॉपी। हम छोटे बड़े आ जाओ। ये बुलबुल पांडे है हमारा। ये आ जाओ, मुझे लग रहा है तुम्हें छोटा वर्जन है ना। ये कैमरा नहीं, अभी नहीं मिलेगा। ये देख रहे हो छोटा बड़ा वर्जन कैसा लग रहा है, देख के लग रहा ना एकदम। भाई यहाँ आ गया सुपर फन, यहाँ इतना मजा आया भाई मेरे को डेजर्ट में। मतलब मेरे को उम्मीद नहीं थी और मैं भाई पहले करने वाला भी नहीं था, पहले मैं नहीं आने वाला था, मेरा प्लान ऑलमोस्ट कैंसिल था। बट भाई एकदम होता है ना सुपर फन, वो मिल गया। और भाई देख रहे हो एकदम धूप एकदम सर के ऊपर है, बट मज़ा आ रहा है। सो अभी हम मैं खींच लेता हूँ कुछ फोटोज और करते हैं फन। और देख लो छोटे उस्ताद को देख रहे हो। अरे इधर आओ ना, ये देखो ये देखो ये देखो ये देखो ये देख रहे ये देख रहे ये देखो। यहाँ पे कार के नीचे कुछ ऐसा लग रहा है, कुछ नहीं है, एसी का पानी है। क्या है? एसी का पानी। भाई एसी का पानी टपक रहा है ऐसा लग रहा है, मुझे लग रहा है कुछ इसमें दिक्कत आ गई है। यस अब आ तो रहे हो नहीं मेरे पास। भाई देख गर्मी में भी मैंने ये पहना हुआ है, बहुत गर्मी है और ये पहना हुआ है। एंड यस 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 मैं बिल्कुल रिकमेंड करूंगा ड्यून बैशिंग को, क्योंकि ड्यून बैशिंग एक वन ऑफ द फाइनेस्ट एक्सपीरियंस है भाई। डेजर्ट में भागने में जो मजा आता है ना, एक तरह से भाई मजा ही कुछ और है। हां भाई मुझे उम्मीद नहीं थी डेजर्ट सफारी से कि इतना मजा आएगा, और एटीवी चलाने में तो सुपर फन था भाई। अभी मैं खिंचवाता हूँ मस्त से फोटो, आकर गाड़ी के बोनट पर बैठने दिया तो। ये देखो पहली मना। आगे भी आप दर्शकों के लिए मैं लाता रहूंगा और भी प्यारी प्यारी ट्रैवल वीडियोस एंड अपनी जो मेरी पर्सनल लाइफ है उसके बारे में भी मैं व्लॉग डालने वाला हूँ। सो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। पकलोल यात्री।